गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक नया गेम खेलेंगे, लेकिन गेम खेलने से पहले हम करते हैं कुछ वार्म अप एक्सरसाइज। तो चलो रेडी हो जाओ वार्म अप एक्सरसाइज के लिए। तो सबसे पहले हम वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे वन मिनट स्पॉट जॉगिंग। क्या करेंगे? स्पॉट जॉगिंग कहाँ पे करना है? एक ही जगह पे हमें स्पॉट जॉग करना है। रेडी, चलो स्टार्ट। स्पॉट जॉगिंग होने के बाद हम करेंगे कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। तो चलो स्टार्ट करते हैं बॉडी स्ट्रेच करना। स्लोली डाउन, हैंड्स डाउन, हैंड्स अप, your left side, straight, go your right side, slowly go, go down, jitna niche ja sakte ho utna niche jana hai, slowly up, arch, hands down, दोनों पैरों में डिस्टेंस लेके वेस्ट को रोटेशन कैमरा रोटेट करना है राइट साइड से लेफ्ट साइड। कितने काउंट करने? 10 काउंट, 1, 2, 3, 4, 5, reverse 5, 1, 2, 3, 4, 5, यहां पे हो गए 10 काउंट। अब ट्राई करना है फोरहेड नी को टच करने के लिए वापस। तो हाथ यहां से पीछे से इस तरह से लेंगे और सामने बेंड होंगे, तो इस साइड से देखो आप, जितना आप नीचे जा सकते हो उतना ही नीचे जाना है। Slowly up, shake your legs, leg को shake करना है, and ready for game। अब हमें लगने वाला है हमारे इस game के लिए कुछ equipment। तो क्या लगने वाला है वो मैं ले गया। जो हमें इक्विपमेंट लगने वाला है वो क्या लगेगा वो पहले देखो। 1, 2, 3 और 4, यहाँ पे मैंने 4 मार्कर्स रखे हैं। साथ ही साथ इसके लिए मैंने अलग टाइप के 2 स्टिक्स और ये 2 स्टिक्स और ये 2 पेन मैं यूज करने वाला हूँ बैटन का, और इस मार्कर का यूज करने वाला हूँ। आपके पास बैटन और ये मार्कर्स अवेलेबल नहीं है तो आप इसके जगह पे
फोर ग्लासेस जहां पे हम मार्कर का यूज करने वाले हैं, तो मैं मार्कर नीचे रख रहा हूं। अभी आपके पास मार्कर नहीं है तो आप फोर ग्लासेस इक्वल साइज के ले सकते हैं। यहां पे मैंने फोर ग्लासेस लिए हैं। इक्वल साइज के ग्लासेस अवेलेबल नहीं है, आप इक्वल साइज के बॉटल्स यूज कर सकते हो, लेकिन आपको मार्किंग के लिए कुछ ना कुछ सामान चाहिए। आपके पास बैटन अवेलेबल नहीं है तो आपको स्टिक्स आसानी से अवेलेबल होगा। ऐसा नहीं कि बांबू के स्टिक चाहिए, किसी भी टाइप के स्टिक होंगे तो वो भी चलेंगे। तो ये आपको इक्विपमेंट क्या लगने वाला है वो पता चला, तो हम गेम की मार्किंग करते और वहां पे हमारा इक्विपमेंट लगाते हैं। मार्कर सेलेक्ट करता हूं और उस मार्कर के ऊपर मुझे रखना है बैट। इस तरह से सेम दूसरा मार्कर मैं यहां पे आगे रखूंगा। बैटन की साइज लूंगा और ऐसे ही खुले छोड़ दूंगा। अगर आपके पास मार्कर अवेलेबल नहीं है तो उसके जगह पे आपको ग्लास नहीं तो बॉटल का यूज करना है। बैटन अवेलेबल नहीं है तो उसके जगह पे आपको स्टिक लगाना है। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे अरेंज की है। तो चलो जहां पे हमने बैटन रखा है वहां पे हमारी स्टार्टिंग लाइन, तो हम आते हैं स्टार्टिंग लाइन पे। स्टार्टिंग लाइन पे आने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो मेरे हाथ में पहला बैटन है उसको हम मैंने नीचे रख दिया है क्योंकि वो एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग लाइन पे हमें क्या करना है, इस बैटन को हमें पैर पे उठाना है इस तरह से। अब जैसे ही आप उसको पैर पे लोगे तो उसको स्लोली बैलेंस करते हुए आगे जाके रखना है इस तरह से, धीरे धीरे जाना है ताकि वो बैटन या स्टिक आपकी गिरे ना। तो इस तरह से आपको स्लोली वॉक करते हुए उसको बैलेंस करना जरूरी है। देखो स्लोली स्लोली जाना है, धीरे धीरे जाना है और उसको वापस इसके ऊपर बिना गिरे रखने की कोशिश करनी है इस तरह से। यहां पे एकदम खत्म होता है, जैसे ही ये जहां पे भी गिरेगा वहां से उसको वापस स्टार्टिंग लाइन पे लेके जाना है और वहां से वापस स्टार्ट करना है। तो कैसे करना है हम वापस एक बार देखते हैं। मैंने वापस ये बैटन मेरे हाथ में लिया है, एक ही बैटन मिल रहा है। अब बैटन यहाँ पे स्टार्टिंग लाइन पे अरेंज हुआ है, वापस हम गेम करेंगे इसको पैर पे उठाने के बाद स्लोली वॉक करना है। जब आप वॉक करते हो तो आप इसकी रेस भी किसी के साथ लगा सकते हो, आपके ब्रदर्स कजन के साथ। अब यहाँ पे मेरा बैटन गिर गया है, तो जहाँ पे मेरा बैटन गिरता है मैं वापस वहां से उठाऊंगा स्टार्टिंग लाइन पे लेके आऊंगा और वहां से वापस रेस रीस्टार्ट होगी। इस गेम में कोई भी प्लेयर डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा। जितनी बार आपका बैटन गिरेगा उतनी बार आपको वापस स्टार्टिंग लाइन पे आना है और गेम स्टार्ट करना है। इसका मतलब इस गेम में जो भी पार्टिसिपेंट्स खेलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे या पार्ट्स लेंगे आपके साथ खेलेंगे, वो कोई भी डिस्क्वालीफाई यानी गेम से बाहर नहीं होगा, सब गेम में रहेंगे। जितने भी आपके फ्रेंड्स से, कजन से, ब्रदर से, जो भी अभी दिवाली में आपके पास आएंगे ना, तो उनको इस तरह से आप अरेंज करके गेम करवा सकते हो। धीरे से
लेना है और स्लोली चलना है। ये बैलेंसिंग रेस है जिसपे हम बैलेंस कर रहे हैं, जिससे हमारा बैलेंसिंग इंप्रूवमेंट होगी, बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन जिसे हम बोलते हैं वो इंप्रूव होता है। अब मुझे इसको सेट करना, देखो एंड पे आके गिर गया, इसका मतलब मेरी रेस कंप्लीट नहीं हुई है, मुझे वापस जाके रेस रिस्टार्ट करनी है। जितनी बार आपका बैटन गिरेगा उतनी बार आपकी रेस रिस्टार्ट होगी, और एक बार बैटन वहां पे हो गया पहुंच गया, जिसका पहले पहुंचेगा और बैलेंस होगा वो ये इवेंट ये कॉम्पिटिशन जीत जाएगा। पैर को बिल्कुल उठा के चलना है, फ्लोर पे पैर को घिसना नहीं है, और यहां पे इस तरह से स्लोली रखना है। जैसे आप इसके ऊपर रखोगे आप कंपटीशन जीत जाओगे। तो इस गेम से आपको क्या फायदा होगा, तो इस गेम से हमारी बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन जो है वो डेवलप होता है। तो समझ में आया आपको गेम, तो हम मिलेंगे अभी नेक्स्ट गेम के साथ नेक्स्ट पीरियड में।